ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। गाइस काफी लोग आप में से मतलब वीडियोस को देखते हैं बट यार सब्सक्राइब नहीं करते, यार प्लीज यार नीचे सब्सक्राइब का बटन है यार, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार आप लोगों के लिए रेगुलर अलग अलग कंटेंट आते रहते हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चले गए आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को अपनी फोटो को यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है, इसमें पिक्सार्ट ऐप में। देन उसके बाद आपको जाना है ऐड फोटो में या वो जाना है ड्रॉ टूल में पहले, ठीक है। अभी ड्रॉ टूल का जो काम है पहले वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद जो आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, आपको जो गाइस यहाँ पे रेजर का पहले मतलब अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, एंड जो रेजर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद जो उसका साइज़ है आपको छोटा कर लेना है, ठीक है, रेजर का। एंड उसके बाद जब आप इसका साइज़ छोटा कर लोगे तब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गाइस अपनी फोटो को मतलब कि जो साइज़ है मतलब कम ही रखना है, एंड हार्डनेस भी फुल रखना है, ठीक है। साइज़ जो है कम से कम मतलब कि आप 6 या 5 या 6 तक रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको अपनी फोटो को जूम करना है, एंड उसके बाद गाइस आपको कुछ इस तरीके से जो है आपको अपने फेस पर कुछ इस तरीके से इरेज करना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड गाइस इरेज करते वक्त आप सभी को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इरेज एकदम मतलब कि प्रॉपर हो, ठीक है, कुछ ऊपर नीचे ना हो रह जाए, क्योंकि अभी आपको इसमें से जो है ना दोनों हिस्से आप सभी को सेव करने हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हिस्से पर करना है वो मैं बताता हूँ आपको। फिर इसका साइज़ को फुल कर लेना है, एंड उसके बाद जो है आपको कुछ इस तरीके से जो आपको पूरा मतलब कि इसके पीछे का जितना भी पार्ट है, ये वाला बाहर वाला जितने पार्ट है आपको उसको सबको इरेज करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। एंड गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना है, इरेज करते वक्त जो है आपका मतलब कि पीछे जो अभी दूसरे वाला जो पार्ट है हमारा उसमें से कुछ इरेज ना हो, ठीक है। अगर इरेज हो जाता तो अंडो करके आप दोबारा से इरेज करना उसको, ठीक है, ताकि जो मतलब कि कोई बेकार सा ना लगे बाद में, ठीक है। ये क्यों करवा रहा हूँ मैं गाइस आपको, ये अभी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। अभी आप लोग वीडियो को देखते रहना ध्यान से, बाकी मैं इसको फटाफट इरेज करता हूँ, देन बताता हूँ आपको करना क्या है। ओके गाइस तो हमने यहाँ पे सब कुछ इरेज कर लिया है, तो अभी देखिए गाइस अभी क्या करना है आपको, जो ये वाली जो लेयर बनाई है आपने इसको सिंपली इसको आपको जो है सेव कर लेना है, ठीक है, इसको सेव कर लेना है। बाकी उसके बाद जो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आप जब इसको सेव कर लोगे, ठीक है, तो अभी मैंने इसको सेव कर लिया है, तो अभी आपको जब आप इसे सेव कर लोगे तो आपको क्या करना है, आपको वापस से गाइस इसको अंडो कर देना है बिल्कुल, ठीक है, जैसी आपकी फोटो थी पहले जैसी कर देनी है। बाकी वो जो सर्कल जो बनाया था आपने वहाँ तक आपको जैसी थी फोटो आपको वैसी कर देना है, ठीक है। जैसे गाइस मैं अभी आपको बताता हूँ, तो देखिए गाइस हमने कर दिया है, ठीक है। अब गाइस देखिए अभी जो हमने बाहर का एरिया जो इरेज किया था वो हमने से जो अंदर का वाला जो एरिया था वो हमने सेव कर लिया। अब जो है गाइस आपको पूरा जो भी अंदर का एरिया है उस सबको इरेज करना है, एंड उसके बाद जो जितना भी बाहर का एरिया है उसको आपको यहाँ पे सेव नहीं करना है, उसमें आपको कुछ चेंजेस करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको पहले अंदर का जितना भी एरिया हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको उसमें करना क्या है। ओके गाइस सो हमने इतना कर लिया यहाँ पे, अब हम इस वाले एरिया को जो है सेव कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में मतलब कि कुछ भी जरूरत पड़ सकती है इसकी, ठीक है। तो अब गाइस देखिए यहाँ पे आपको जाना कलर वाले ऑप्शन में, ठीक है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एकदम प्रेस करके रखना है, जो आपका भी जो भी स्क्रीन का कलर होगा आपको उसको सिंपली लेना है। एंड उसके बाद जो आपका जो ब्रश है, ठीक है, पहले मतलब कि एक लेयर जो ऊपर वाली उसको सिलेक्ट कर लेना, देन आपको जो ब्रश है, ठीक है, तो ब्रश के ऊपर आपको क्लिक करना है, एंड ब्रश पर क्लिक करने के बाद जो पहले आपको ब्रश का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेना है, ठीक है, थोड़ा, क्योंकि मतलब कि छोटा रखोगे तो आपको ज़्यादा पेंट करना पड़ेगा, तो थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना है। एंड उसके बाद आपको कुछ स्टेप से पेंट करना है, ठीक है, देन उसके बाद आपको उसको नीचे के नीचे ले जाना है लेयर को। एंड उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक और लेयर बनानी है, ठीक है, इस वाली लेयर को बनाने के बाद जो आपको नीचे रखना है इसको, एंड इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे ब्लैक कलर को पहले कलर में जाके सेलेक्ट करना है, ठीक है, हम ब्लैक को ले लेते हैं। सो ब्लैक को सिलेक्ट करने के बाद जो आपको ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद जो आपकी जो साइज़ है इसको छोटा करना है, एंड जो हार्डनेस है इसको यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है, हार्डनेस को कम कर देना, चाहो तो 0 ही कर देना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जो आपको क्या करना है, आपको कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट करना है इस तरीके से, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली लेयर में जाना है वापस से, लेयर में जाने के बाद जो आपकी जो ओपेसिटी है इसको यहाँ पर माइनस करना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। एंड जब गाइस आप इतना कर दोगे तब आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, आपको जो इतना हो जाएगा तो आपको सिंपली यहाँ पे आप जो इसको डन कर लेना, ठीक है, आप उसमें आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे डन करते हैं हम इसको, फिर मैं बताता हूँ आपको आगे करना है। तो अभी गाइस हमने इसको यहाँ पर डन कर लिया, एंड डिस्कार्ड करते हैं इसको हम।
सो इतना हो जाने के बाद जो आप सभी को फ्री का करना है, आपको जाना है यहाँ से ऐड फोटो में, ठीक है। आपको कुछ फ्लावर्स के पीएनजी लगाने हैं इसमें, तो उसका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको जाना है ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आपको एक फी वाला फ्लावर का पीएनजी इसको ऐड करना है, एंड इसको जो कुछ स्टेप्स ऐड करना है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से एक ऐसा डुप्लीकेट करके जो आपको दो तीन जगह लगा लेना है इसको, ठीक है। वैसे तीन बार में हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, बट हम करते हैं कोशिश की हो जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमने इतना कर लिया है, ठीक है। अब जो हम उस वाले पीएनजी को लेते हैं जो हमने सेव किया था, एंड गाइस पीएनजी को जो आपको फुल स्क्रीन करना है कुछ स्टेप से, ठीक है। बाकी देखिए गाइस अभी जो है मतलब कि फ्लावर की वजह से हमने साइज़ बढ़ा है ना, इस वजह से भी जो पीछे का जितना भी एरिया वो ढंग से दिख नहीं रहा है। तो अब इसको करने के लिए क्या, हम इसको साइड रखते हैं, एंड उसके बाद फोटो को जूम करते हैं, एंड जो ये फ्लावर जितने पीएनजी उनको हम छोटा करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, जैसे कि साइज इसका हमने इतना कर लिया, इसका साइज़ जो हमने इतना कर लेते हैं, परफेक्ट है। अब जो दूसरे वाला है इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, एंड सेम वैसा ही, ठीक है, इसको भी वैसे ही रख देते हैं। एंड गाइस अब बाकी जो इस साइड के जितने पीएनजी होंगे उनको आपको बढ़ा ही रखना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसको भी हल्का सा कर लेते हैं, अब इसको भी थोड़ा कर लेते हैं, अब यहाँ पे इतना परफेक्ट है, ठीक है गाइस। तो इतना हो जाने के बाद जो आपको करना है, जो पीएनजी था आपका उसको आपको सिंपली यहाँ पे लाना है, एंड इसको अप कर लेना है, ठीक है, ताकि ऊपर आ जाए। अब गाइस इतना हो जाने के बाद जो है, देखिए गाइस अभी हम इसको यहाँ पे ऐसे रखते हैं, बट गाइस अभी हमारा यहाँ पे काम डन नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इसमें शेडो वगैरह भी ऐड करनी है, तो वो कैसे करना वो भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतना कर लिया है, अब इसको हम पहले पूरी साइज़ में कर लेते हैं जो आप इसका रियल साइज़ था, ठीक है, अब यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस ये साइज़ में रखने के बाद जो आपको उसको हल्का सा इस साइड में रखना है, ठीक है, हल्का सा मतलब कि ये पता लगे कि हाँ किसी चीज़ से जो मतलब आपका फेस उड़ के आ रहा है और फ्लावर्स निकल रहे हैं उसमें से, है ना। तो अब गाइस देखिए आपको इस पीएनजी को सिलेक्ट करना अपने, एंड उसके बाद आपको शेडो वाले ऑप्शन में जाना है, एंड इसके जो पोजीशन वगैरह आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, एंड इस तरीके से, एंड फिर एडजस्ट में जाकर जो है आपको इसका ब्लर ब्लर और ओपोसिटी वगैरह जो वो भी सिलेक्ट कर लेना अच्छे से, एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद जो है, अब आपको यहाँ पे देखिए गाइस इतना हमने एकदम अच्छे तरीके से कर लिया है। अब यहाँ पे जो है गाइस कुछ ब्लर के पीएनजी भी लगाने हैं आपको, ठीक है। तो अभी इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। अब गाइस देखिए यहाँ पे मेरे को कुछ इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं लग रही है, तो अब इसको कर लिया है हमने, तो अब क्या करेंगे हम इसमें, हम इसको जो है थोड़ा सा इस साइड रख लेते हैं, एंड मेरे को गाइस लगता है कि इसमें थोड़ा सा पीएनजी की जो कमी है इस साइड में, तो एक बार ऐड फोटो में जाकर उस पीएनजी को ऐड कर लेते हैं हम, एंड इसको जो हम कुछ इस साइड से इस तरीके से इस जगह पे रख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यार फ्लावर जो कम दिख रहा है इस साइड में, हाँ अब परफेक्ट है। अब सो डन कर लिया हमने। अब गाइस इसमें हम ऐड फोटो में जाके एक पीएनजी और ऐड कर लेते हैं, जो ब्लर का पीएनजी है हमारा। सो ऐड फोटो में गए, ब्लर को लिया, ऐड किया, परफेक्ट, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको फुल स्क्रीन करेंगे, एंड जो फेस के ऊपर जो भी एरिया आ रहा है, अब उसके लिए हमें क्या करना है, आप सभी को पता है इरेजर टूल में जाकर उसको रेस करना पड़ता है हमें, तो उसको हम रेस कर लेते हैं, एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब डन करते हैं, एंड जो उसकी ओपेसिटी हल्की सी कम कर लेते हैं, इतना परफेक्ट है, ठीक है। बाकी आप कलर क्रिएशन करके इसको और भी मस्त बना लेना, ठीक है। अभी मैं इतना ही बताता हूँ आज की जो वीडियो हमारी इतनी, नेक्स्ट वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है वीडियो की लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर यहाँ तक आई गई हो तो कैसे दोनों में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करो, एंड बाकी इन्जॉय करो। बाकी चले मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक ले।